5 मिनट ऐसे नाखून रगड़ लेना, ऐसे 5 मिनट जो नाखून रगड़ लेते हैं, नाखून नेल्स को नेल्स के पीछे से ऐसे मिलाया, 5 मिनट ऐसे रगड़ने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है। दुनिया में आया है वो जाएगा। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच कि बदलाव हमेशा होता है। तो फिलहाल इस शरीर में ये बदलाव हो रहे हैं कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, हो सकता है उसका कारण बॉडी में आने वाले बदलाव, उससे भी बड़ा एक सत्य हर चीज की एक होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर में से अलग होती रहती है, पर फिर भी ठीक है, हार्मोन्स आगे पीछे होते हैं, तो शायद बाल जो है मेरे उसके कारण थोड़े गिर रहे हैं, इसको थोड़ा ठीक कराया जाए, ऑपरेट कराया जाए। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं प्रशांत, उनकी एक बहुत अच्छी डॉक्टर है जो बालों को बहुत अच्छी से ट्रीट करती है, और लेट्स सी देखते हैं कि वो हमें क्या सजेस्ट करती है। एक्चुअली ये टैबू है, काफी लोग जो है अपनी इस बात को छुपाना पसंद करते हैं या फिर उसको ट्रीट ही नहीं करते, पर क्यों नहीं करें। शरीर में अगर कोई कमी है, हम अपने मोटापे को कम करते हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, और मैं तो सोचता हूँ कि मैं ही सोचता ही नहीं, मेरी जर्नी को, मेरे इस पूरे ट्रीटमेंट को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो देखते हैं इस मीटिंग में प्रियंका के साथ क्या डिसाइड होगा। हेलो प्रियंका, प्रियंका बोलो जी। हम आ गए क्लिनिक में और यहाँ पे प्रियंका है ही नहीं जी। इंतजार की घड़ियां हुई है खत्म, डॉक्टर साहब जो है अब हमारे सामने है। हेलो प्रियंका, हमने डिस्कस किया था हमारे बालों के लिए और आपने मुझे कहा कि कुछ करते हैं, तो मुझे बताओ कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से जा रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ मेल पैटर्न बॉल्डनेस। मेल पैटर्न बॉल्डनेस में ये बाल रूट से ही जाते हैं, ग्रेड वाइज होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो आपका जो है थिनिंग हो रही है, काफी हद तक आपकी ये थिनिंग हम बोल सकते हैं ग्रेड 5 तक। तो आज हम क्या करेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे आपके लिए। वी विल डू एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटिंग साइड बाय साइड। सो दिस इज अ 2 डेज प्रोसीजर। जो आपके खुद ही के डोनर एरिया के बाल है इस साइड से लिए जाते हैं, यहाँ से लेकर हम यहाँ पे इम्प्लांट करेंगे। तो ये बाल करीब आपको 2.5-3 महीने के बाद आने चालू होंगे। व्हेन आई विल डू द इम्प्लांटिंग प्रोसीजर, यू विल गेट योर हेयर्स आफ्टर 4-6 मंथ्स। इसके बाद में एवरी 2.5-1.5 मंथ में हम आपको एक प्रोटीन ट्रीटमेंट देंगे जिसको बोलते हैं PRP, जो आपको एक आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स है तो उसको प्रोटीन ट्रीटमेंट देने के लिए हम उनको PRP देंगे, जैसे वो हेल्दी रहेंगे और वो ना जड़े, क्योंकि आज ना कल वो झड़ने हैं। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स कभी नहीं झड़ेंगे। जब भी हम PRP ले रहे होंगे तो जो ऑडियंस है उन तक पहुंचाएंगे कि वो कैसे ली जाती है। हमारे इरफान जो है वो आज के लिए मुझे दिन भर झेलने वाले। प्रियंका ने कहा कि 2 दिन हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे, इरफान भाई के बारे में बातें भी करेंगे। अच्छा एक बात, वैसे तो मुझे ये बच्चन साहब का एक डायलॉग है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? नहीं, आपको दर्द नहीं होगा। अच्छा, हम जब एनेस्थीसिया देंगे आपको, हाँ, उसी वक्त तक आपको सिर्फ फील होगा कि थोड़ा सा हल्का सा चीटी काट रही है ऐसे। हम जब एनेस्थीसिया बनाते हैं, हम एनेस्थीसिया को डाइल्यूट करेंगे, जिसमें हम नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे, तो वो नॉर्मल सलाइन है जो सलाइन वाटर होता है वो आपके फेस पे आता है। तो ये है आज का हमारा साथी अमित। अमित जो है वो आज जहाँ जहाँ मैं शूट कर पाऊंगा वहाँ वहाँ मैं शूट करूंगा, और जहाँ मैं शूट नहीं कर पाऊंगा वहाँ अमित शूट करेगा। चलो अमित हो जाए आज। कौन से थिएटर में? आज तक तो मैं थिएटर में आया था, इस बार मैं आया हूँ ऑपरेशन थिएटर में। तो इरफान, आबिद और अश्विनी, तो ये तीनों मिलके मुझे हैंडसम से और ज्यादा हैंडसम बनाने वाले हैं।
हम आने वाले 2 दिन तक एक दूसरे का सिर खाएंगे बातें करते करते, तो लेट्स सी आगे का प्रोसेस आपको दिखा देते हैं।